आज हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के वर्ल्ड में होने जा रही है गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग की फाइट। हमारे शहर में गॉडजिला ने अटैक कर दिया है। ये समंदर से अचानक से प्रकट हुआ और फिर धीरे धीरे हमारे शहर की तरफ आगे बढ़ने लगा। यार इसको कैसे भी करके रोकना पड़ेगा, वरना ये हमारे पूरे शहर को बर्बाद कर देगा। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हमारे शहर में हमारे पास एक किंग कॉन्ग भी है, जो कि हमारे शहर के जंगलों के बीच कैद है, क्योंकि इसको खुला नहीं छोड़ा जा सकता। अगर ये किंग कॉन्ग हमारी हेल्प कर देता है तो हम लोग गॉडजिला से बच सकते हैं। ये तो बहुत ही बड़ी आफत आ चुकी है हमारे शहर पे यार, और मैं जितना कर सकता हूँ मुझे वो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन और देखता हूँ कि उधर क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन बन रही है, क्या तैयारी की जा रही है गॉडजिला से बचने के लिए। पुलिस स्टेशन तो पूरा खचाखच भरा हुआ है, यहाँ पे तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। लगता है सारे लोग यहाँ पे हेल्प मांगने आए हैं, लेकिन ये सब करेंगे भी क्या? ये लोग तो मुझे बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हैं और ये किसी की सुन भी नहीं रहे, क्योंकि इनको खुद की जान बचानी है अभी। तो एक काम करता हूँ, मैं ही खुद कुछ करता हूँ इस शहर को बचाने के लिए। इसके लिए मुझे कुछ सप्लाईज की ज़रूरत होगी, और सबसे पहले मुझे गन्स चाहिए, जो कि इनके स्टेशन से ही चुराऊंगा मैं। और सारी गन मैंने ले ली है इनके ऊपर वाले फ्लोर पे, जितनी भी रखी थी। ये सब हमें काम आएगी जब गॉडजिला अटैक करेगा हम पे। अरे यार गन छुपा लेता हूँ, ये लोग देख नहीं ले, क्योंकि इनके ही स्टेशन से उचकाइए तो ये लोग फिर डांटेंगे। लेकिन अब चलते हैं बाहर, देख तो नहीं रहे ना लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट प्लान है हमारा, हमें कुछ भागने के लिए चाहिए, उड़ने के लिए। तो उसके लिए एक जेट पैक चाहिए हमें, जो कि इस लोकेशन पे रखा है, और ये लोकेशन पे मुझे मालूम है कि कहाँ से पहुँचना है। तो जल्दी से चलते और जेट पैक को उठाते। लोग भी सारे सड़कों पे निकल चुके, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं भागना है। लेकिन मैं बचाऊंगा इन लोग को, जितना मैं कर सकता हूँ उतना करूँगा, नहीं तो मैं खुद तो ज़रूर बचने की पूरी ट्राई करूँगा। जेट पैक हमारा यहीं पर होना चाहिए, इसी बिल्डिंग की फ़ोटो थी उसमें, और जेट पैक भी मुझे दिख चुका है। तो हमारा पहला आइटम हम लोग को मिल चुका है। नेक्स्ट सप्लाई हमें चाहिए हेलीकॉप्टर। ओके, हेलीकॉप्टर से भी हम लोग निकल सकते हैं, और इसमें 3-4 लोग तो आराम से फिट आ जाएंगे। तो ये हेलीकॉप्टर हमें मिलेगा एक ऊंची सी बिल्डिंग पे, और हमारे शहर की ऊंची बिल्डिंग तो 2-3 ही है, जिनमें से एक ये वाली है, और मुझे लग रहा है वो फोटो भी यहीं की है। ये बिल्डिंग तो यार बहुत ज़्यादा ऊँची है। एक काम करते हैं, हमें जो जेट पैक मिला था उससे हम लोग ऊपर जा सकते हैं। ये हुई ना बात, हमारे सप्लाईज अभी से काम आने लगे हैं, क्योंकि जेट पैक को तो मैं ऊपर से धक्का दे दूंगा नीचे, और हेलीकॉप्टर को उड़ा के ले आऊंगा, क्योंकि जेट पैक को कुछ भी नहीं होता, इतना स्ट्रांग बनाया है इसको। और हेलीकॉप्टर को मैं उड़ा के ले आऊंगा, तो दोनों सप्लाईज हमारे नीचे पहुँच जाएगी। ऑलमोस्ट आ ही गए हम लोग, क्योंकि जितनी हाइट पे आते हैं ना यार, स्लो हो जाते हैं हमारे जेट पैक और हेलीकॉप्टर, क्योंकि हाइट में फिर और इनको ज़्यादा पावर लगता है। लेकिन हम लोग पहुँच चुके हैं, और हमारे दोनों आइटम अब हमें मिल चुके हैं उड़ने वाले। ओके, नेक्स्ट सप्लाई देख लेते हैं। नेक्स्ट सप्लाई हमारी बोट, ये भी बहुत सही है यार, क्योंकि बोट से हम लोग शहर के दूसरी साइड भी जा सकते हैं, या फिर किसी और शहर भी जा सकते हैं, क्योंकि बोट यार आराम से चली जाएगी, कितने भी दूर जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर का तो तेल कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएगा, लेकिन बोट लंबी चल जाएगी। ठीक है, तो बोट लेके चलते हम लोग, क्योंकि बोट को हमें ठिकाने लगाना पड़ेगा पानी के पास। अभी वो ट्रक भी ट्रेलर के ऊपर लोडेड है। जेट पैक और हेलीकॉप्टर को हमने नीचे उतार दिया है, अब हम चलते हैं बोट की तरफ। हमारे घर के जस्ट बगल वाला जो रैंप है, रेड और वाइट वाला, जो कि हमारे सामने है, इसके जस्ट नीचे ही ट्रक विद ट्रेलर के ऊपर बोट रखी हुई है। तो ट्रक विद ट्रेलर को हम लोग चला के ले जाएंगे समंदर के पास। चलते हैं और निकालते हैं इसको, पहले देख लूँ मैं ये है कि नहीं वहाँ पे, पता चले कि फ़ोटो में गलत इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। ट्रक तो मुझे दिख रहा है, ओके ट्रक खड़ा तो है, बोट कहाँ है? बोट भी है। ठीक है, तो लेके चलते हैं इसको जल्दी से। अब इसको मैं लेके किधर जाऊं? मेरे सामने जो शोरूम है, इसके पीछे का पानी मुझे पास पड़ेगा, उल्टी साइड तो मैं जा नहीं सकता हूं, वहां पे गॉडजिला मेरा वेट कर रहा होगा, इसलिए हम लोग इसी साइड चलते हैं, यहां पे हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। ये बोट ना बस नीचे नहीं गिर जाए, क्योंकि मैं फुल स्पीड में ट्रक को चला रहा हूं, और बोट अगर गलती से भी पलट गई फिर इसको वापस लोड करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और गॉडजिला जब तक शहर में ही घुस जाएगा। आ तो चुका हूँ मैं समंदर के पास, ये रहा हमारा साइड का एरिया, यहाँ पे मैं बोट को रखवा सकता हूँ, लेकिन इसको पहले मुझे पानी के अंदर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी खुद से उतार नहीं सकता हूँ, और कोई वर्कर है नहीं मेरे पास। तो एक काम करते हैं,
ट्रक भी ट्रेलर को सीधे हम लोग पानी के अंदर ले जाते हैं, तो उससे क्या होगा, बोट पानी में तैरने लग जाएगी और फिर मैं बोट को चला के इसके किनारे पे ले आऊंगा, क्योंकि ट्रक विद ट्रेलर का तो अब कोई काम बचा है ही नहीं, हमें तो बोट से ही भागना है। ट्रक विद ट्रेलर अगर चली भी जाती है तो कोई दिक्कत है नहीं। देखो बोट आ चुकी है पानी के ऊपर, बस थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ और बोट इसके बाहर आ जाएगी। थोड़ा सा और, ये आ गई बाहर। चलो बोट हमारी बाहर आ चुकी है, इसको अब किनारे पे खड़ी कर देते हैं। यहाँ साइड में इसको हमें पार करना पड़ेगा क्योंकि इससे हम लोग फिर जल्दी से एस्केप मार पाएंगे। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट सप्लाई क्या है। नेक्स्ट सप्लाई है हमारी टैंक। ओके, टैंक हमारी फाइनल सप्लाई होने वाली है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है क्योंकि टैंक हमारा प्लान बी होने वाला है। अगर हम एस्केप नहीं कर पाते हैं तो टैंक से हम लोग एटलीस्ट लड़ तो पाएंगे गॉडज़िला से, लेकिन ये हमारा लास्ट ऑप्शन होगा क्योंकि अगर किंग कॉन्ग मान जाता है, जो कि मुझे लगता है वो मान जाएगा, तो वो गॉडज़िला से लड़ने लगेगा और हमें ये सब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो नहीं मानता है तो हमें ही एस्केप करना पड़ेगा। एस्केप नहीं हो पाया तो टैंक निकाल के गॉडज़िला को हमें ही मारना पड़ेगा। लोकेशन तक तो मैं पहुँच चुका हूँ ऑलमोस्ट। यहाँ से हम लोग को लेफ्ट लेना है और एक छोटी सी टनल वाली बिल्डिंग के पास टैंक रखा होगा, वो राह मुझे दिख चुका है और टैंक फुली लोडेड है। तो चलो, हमारा फाइनल सप्लाई भी हमें मिल चुका है। अब सबसे पहले तो मैं जाके ना गॉडज़िला की पोजीशन देखता हूँ कि ये कहाँ तक पहुँचा, और इससे थोड़ा दूरी रहूँगा मैं, लेकिन मुझे देखना है कि ये शहर के अंदर तक घुस तो नहीं गया। ठीक है, अभी ये उतना पास आया नहीं है शहर के, तो अभी ये काफ़ी दूर है। जब मैंने न्यूज़ में देखा था उस टाइम पे भी शायद ये यहीं पे था, तो हो सकता है ये अभी अपनी मूवमेंट चालू नहीं करेगा, तो मतलब और थोड़ा सा टाइम है हमारे पास किंग कॉन्ग को बुलाने का। मैं जल्दी से जा रहा हूँ यार किंग कॉन्ग के पास, वरना ये शहर में घुस जाएगा। किंग कॉन्ग को हमें जल्दी से मनाना ही पड़ेगा। वो रहा जंगल। और ये क्या है यार, यहाँ पे तो पुलिस वालों ने यार रास्ता रोक के रखा है, ये क्यों कर रहे हैं ये लोग यार? ये तो किसी को उसके पास जाने ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं जाऊंगा, मेरे को शहर को बचाना है। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा घूम के जाता हूँ ताकि इन लोग को पता नहीं चले, क्योंकि सारे पुलिस वाले इस रोड पे ही खड़े हैं। जल्दी से घुमा के हम लोग जाते हैं किंग कॉन्ग के पास। गाइस, अगर मैंने उसको नहीं मनाया ना, ये गॉडज़िला तो ख़त्म ही कर देगा शहर को। ओके, फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं इन लोगों से बच बुचा के। अब किंग कॉन्ग को ढूंढता हूँ मैं। तो फाइनली मैंने मना ही लिया है इसको, क्योंकि यार पहले ही मेरे पे अटैक करा था, लेकिन इसका हाथ मेरे पे पड़ने ही वाला था, उसके जस्ट पहले मैंने इसको मना लिया है। मैंने इससे यही बोला कि भाई अगर गॉडज़िला अटैक करता है इधर, तो तुम्हारे इस प्यारे से जंगल को भी वो बर्बाद कर देगा, और अब ये मेरी बात मान चुका है। ओ भाई, इसको तो गुस्सा आ गया। मेरा इधर का काम हो चुका है, अब ये थोड़ी देर में निकलने ही वाला होगा गुस्से में। मैं जल्दी से पहुंचता हूँ शहर में और देखता हूँ गॉडज़िला कहाँ तक पहुँचा। बस ये शहर के ज़्यादा अंदर तक नहीं आ गया हो और इसने किसी को भी हानि नहीं पहुँचाई हो, देखते हैं। अरे यार, ये तो शहर में ही पहुँच गया, वो भी इतनी जल्दी। कॉन्ग कब निकलेगा जंगल से? अरे अरे अरे, गाड़ी मोड़ो पहले, तो इससे पहले ये मेरे पीछे नहीं पड़ गया यार। निकलो पहले यहाँ से, किसी सेफ लोकेशन पे जाना चाहिए हमें। कॉन्ग निकल चुका है जंगल से। यस, अब ये जाएगा गॉडज़िला के पास। आखिरकार कॉन्ग आ ही चुका है गॉडज़िला के पास, और अब होने वाली है घमासान फाइट।